सो आज का एक बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है दोस्तों वीडियो, जो है स्टॉक फिश स्टॉक, और जो फिश स्टॉक आता है दोस्तों उसी के साथ साथ मैं आपको थोड़े बहुत डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उस फिश के थोड़ा नॉलेज दे दूंगा, ताकि आप आपके घर में जब फिश लाएंगे दोस्तों तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि आपके जो घर में जो ऑलरेडी फिश है वो उसके साथ रहेंगी या नहीं रहेंगी, एग्रेसिव कैटेगरी है एग्रेसिव नॉन एग्रेसिव कैटेगरी है, ये आप कंपेयर कर सकते हो, और श्योर एंड श्योर आपके जो घर की जो फिश है वो मरेगी नहीं, और आपका जो एक्वेरियम की जो हॉबी है वो टिका रहेगा दोस्तों। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा वो है सब्सक्राइब, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज आप छोटा सा सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज क्या होता है दोस्तों मुझे व्हाट्सअप आते हैं कि वापस से टॉपिक के लिए कि फिश टैंक का पानी कैसे चेंज करना है, या जो ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका होता हूँ तो उसी के ऑलरेडी मुझे व्हाट्सअप होता है दोस्तों, तो मुझे मेरे जो वीडियोज है ना दोस्तों वो सारे वीडियोज आप देख लीजिए एक बार, बिकॉज क्या होगा आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, बिकॉज मैंने हैप्पी फिश एक्वाटिक चैनल में सारे जो जो बिगनर्स के लिए है जो छोटे छोटे चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन करने चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने डाल लिए हैं विद एसेसरीज, और अगर आपको लगता है कि और भी कुछ मैं मिसिंग कर रहा हूँ तो मुझे आप कमेंट्स में मेंशन कर देना, नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स मैं आपके लिए बना दूंगा। तो आज के इस वीडियो में हम लाइव स्टॉक देखने वाले हैं, और साथ ही साथ में फिशेस की जो डिस्क्रिप्शन है उनकी जो खूबियाँ है उनके जो नेचर है एग्रेसिव नॉन एग्रेसिव, या तो फिर ठंडा पानी है गर्म पानी में रहने वाली है या ऑक्सीजन में रहने वाली है विदाउट ऑक्सीजन में रहने वाली है, ये सारे कैटेगरीज हम देखने वाले हैं। सुरक्षित देखें दोस्तों, स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से कि गोल्ड फिश है, गोल्ड फिश इज अ कोल्ड वाटर फिश फ्रेंड्स, बट इनका एक प्रॉब्लम आता है, इनका एक ऐसा प्रॉब्लम आता है कि अगर आपके घर में कोई रेनी सीजन है, रेनी सीजन में अगर आपके घर में गोल्ड फिश है तो इसको छोटे छोटे क्या होता है दोस्तों लाइज आते हैं, लाइज जो हरकुलस बोलते हैं उसको, उसका वीडियो मैंने बना दिया था, जो कीड़े होते हैं एक्वेरियम में गोल्ड बोल से, तो वो प्रॉब्लम आता है, तो इसका एक ही सोल्यूशन है दोस्तों आपको एक एंजल फिश रखना है, और जो गोल्ड फिश है वो वास्तु फिश भी रखे जाते हैं दोस्तों, वास्तु फिश का भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वास्तु फिश का एक बहुत बड़ा सा विकिपीडिया है, ठीक है मैं आपको इजीली लैंग्वेज में समझा दूंगा ताकि सारे मेरे सब्सक्राइबर्स को इजीली समझ सके, और नेक्स्ट कैटेगरी है वो है जंबो गोल्ड है दोस्तों, ये ब्रीडर्स है, वो बड़ी वाले पीछे के देख रही है वो फीमेल है और ये मेल है, ये ब्रीडर्स है, अगर कोई ब्रीडर है कोई ब्रीड करना चाहता है तो श्योर एंड श्योर ये ले सकते हैं, और आपको 100% रिजल्ट आएगा, ब्रीडिंग भी कैसा करना है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें, एक ही वीडियो में नहीं बता सकता लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और ये जो टेट्रास है दोस्तों जो कलर ग्लास फिश होती है कलर ग्लास फिश, तो वही कलर ग्लास फिश का एक दूसरा एक इन्होंने कैटेगरी है, ये ग्रीन ग्लास फिश है और ये ऑरेंज ग्लास फिश है, और पीछे जो देख रहे हैं वो ग्रीन कलर ग्लास फिश है, मतलब वो ट्रांसपेरेंट है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये फुल्ली कलर है, ये पार्शियली कलर है, तो ये नॉन एग्रेसिव कैटेगरी में आता है फ्रेंड्स, नॉन एग्रेसिव कैटेगरी में आता है। टेट्रा वेराइटीज आपको आपका प्लांटेशन टैक्स में रख सकते हैं, अगर आप टेट्रा वेराइटीज रखते हो दोस्तों तो आपको एग्रेसिव कैटेगरी नहीं चलेगा, एग्रेसिव कैटेगरी नहीं डाल सकते आप, सिक्लेस वगैरह या तो फिर टाइगर बार्ब है वो डाल नहीं सकते, टेट्रा वेराइटीज बहुत शांत वेराइटी होती है फ्रेंड्स, और ये बिल्कुल गंदा नहीं करती है एक्वेरियम में, आपको फिल्ट्रेशन भी इतना करने की जरूरत नहीं है, और लॉन्ग लास्टिंग फिश है, बहुत एक्टिव फिश है फ्रेंड्स, और अट्रैक्टिव फिश है, टेट्रा वेराइटीज में बहुत सारे वेराइटीज है, टेट्रा में मोर देन 300 वेराइटीज है टेट्रा में, वो सारी चीज़ें अभी आने वाले जर्नी में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो अभी है सिक्लेट्स वैरायटी है फ्रेंड्स, सिक्लेट्स में तो जूम कर सिक्लेट्स वैरायटी है, बहुत एग्रेसिव फिश है दोस्तों, वेरी एक्टिव फिश, और ये जो फिश की खूबियत ऐसी है दोस्तों कि ये सिक्लेट्स वैरायटी है मालवी लेक में पाई जाती है दोस्तों, और इसकी ब्रीडिंग भी होती है इंडिया में, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं ब्रीडिंग होती है, लेकिन मालवी सिक्लेट्स ये जो बहुत फेमस सिक्लेट्स है एग्रेसिव कैटेगरी है, अगर आपको सिक्लेट्स रखना है आपके घर में तो सबसे पहले आपको जो गोल्ड फिश है वगैरह वो सब हटा देना पड़ेगा, बिकॉज इसका एक छोटा सा बेबी भी आप लेंगे सिक्लेट्स का वो आपका एक रात में सारे फिशेस को आपको मार सकता है फ्रेंड्स, बिलीव मी मेरे पास कार्डिनल टेट्रा था, ऐसे टेट्रा वेराइटीज थे, छोटा सा गलती से क्या हुआ दोस्तों एक पिल्ला यहाँ पे चला गया छोटा सा बेबी, और वो बेबी ने इन सारे सारों को बहुत परेशान कर दिया, तो मेरे ऑब्जर्वेशन में आया और मैंने फिर उसको हटा दिया फ्रेंड्स, तो बहुत ही एग्रेसिव फिश है और एक्टिव फिश है, आप पकड़ने पर जाएंगे तो बिल्कुल हाथ में रहेंगे, बहुत सेंसिटिव फिश है, और जब भी आपको सिक्लेट्स रखना है आपको आपके घर में किसी अगर आप कोई फ्रेंड्स के घर में तो सिक्लेट्स है तो जब सिक्लेट्स आप डालेंगे आपके एक्वेरियम में तो क्या करना है थोड़ा सा नमक डालना है आपको, अगर कुछ दिक्कत टाइम है तो इतना नमक डालना है, और साथ ही साथ में जो सोडा आता है सोडा इडली डोसा का जो सोडा डालते हैं थोड़ा सा पिंच पर सोडा डाल देना है, उससे क्या होगा पानी हल्का होगा और सिक्लेट सर्वाइव करने में बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों, आपका सिक्लेट्स मरेगा नहीं फ्रेंड्स। तो इसके बाद है ये सल्विनी सिक्लेट्स है, सेम टाइप का सिक्लेट्स है लेकिन ये सल्विनी है, सल्विनी ये बेबी सिक्लेट्स है अभी, अब जब ये बड़ा होगा फ्रेंड्स तो बड़ा होने के बाद है ना इसके जो जो ये ब्लैक दिख रहा है तो ब्लैक फुल ब्रेड आ जाएगा, फुल ब्रेड कलर आएगा उसको, बहुत ही अट्रैक्टिव फिश है और रेयर वेराइटी फिश है, एकदम रेयर वेराइटी है, आपको कहीं नजर नहीं आएगी ये फिश, बिकॉज ये वेराइटी ऐसी बहुत रेप्यूटेड वेराइटी है, ज्यादा मार्केट में नहीं दिखेंगे आपको कभी भी, आप कहीं भी आपको दिखती है अगर आपके घर में सिक्लेट्स टाइम है तो डेफिनेटली उठा लीजिए स्टॉक, बिकॉज रेयर वेराइटी है मार्केट में नहीं मिलती है। उसके बाद ऑरेंज गोल्ड, ये नॉन एग्रेसिव फिश है कम्प्लीटली, ये गोल्ड फिश का टॉप ब्रीड है,
इसके बाद ही जो गोल्ड फिश की जो कैटेगरी होती है इससे स्टार्ट होती है। इसमें बहुत सारे वेराइटीज आते हैं, रुकिंग गोल्ड होते हैं, बाद में रैंची गोल्ड होते हैं, मतलब शुभन किन भी एक गोल्ड टाइप का प्रकार है। तो बहुत सारे वेराइटीज हैं गोल्ड में, ऑलमोस्ट 300 वेराइटीज हैं गोल्ड फिश कैटेगरी में। तो ये ओरंडा गोल्ड फिश की खूबियत ऐसी है फ्रेंड्स, उसके सिर के ऊपर जेली होती है, तो जेली बहुत अट्रैक्टिव होती है, स्पेशली फॉर लेडीज को बहुत पसंद आता है ये फिश। और श्योर एंड श्योर ये वास्तु फिश के लिए भी यूज होता है फ्रेंड्स, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा वास्तु फिश का। और बिलीव मी फ्रेंड्स वो काम करता है। और उसके बाद आएंगे मोस्ट एग्रेसिव फिश इन द एक्वेरियम इंडस्ट्री, दिस इज ऑस्कर फिश फ्रेंड्स। ये आपको दिख रहा है ये वाला, ये एक आपको एक रेड फायर ऑस्कर है, ये मैंगो ऑस्कर है, ठीक है, और पीछे कॉपर ऑस्कर है, ये कॉपर ऑस्कर है, ये कॉपर ऑस्कर। इसका एक शॉर्ट में आपको वीडियो बता देता हूँ मैं। आप ये तो बहुत एग्रेसिव है, आपको 24/7 कभी भी फीडिंग करो उसको, वो फीडिंग के लिए नहीं बोलेगा, नॉनवेज फिश है तो आपको प्रॉपर डाइट देंगे आपको, डेफिनेटली आपको रिजल्ट नजर आएगा फ्रेंड्स। ऑस्कर फिश बहुत हार्डी फिश है, सिर्फ आपको क्या करना है थोड़ा सा हीटर वगैरह लगाना है, क्योंकि अभी विंटर सीजन चालू होने वाला है, हीटर लगाना है 27 पे सेट करना है, और फिर इनके फिश आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स करेंगी। इतनी बड़ी ऑस्कर जब होती है दोस्तों तो आप देखते रह जाते हैं उसकी डिजाइन वगैरह, जो लुकआउट होता है बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। सो ऑस्कर फिश इज वेरी गुड फॉर नॉन एग्रेसिव कैटेगरी। और ऑस्कर के साथ आप एक चीज रख सकते हैं वो टर्टल, ऑस्कर के साथ आप टर्टल रख सकते हैं, बड़े बड़े शार्क्स रख सकते हैं, एग्रेसिव कैटेगरी में आता है, क्योंकि शार्क जो है ऑस्कर को नहीं मारता है, ऑस्कर है टर्टल को नहीं मारता है, टर्टल है ऑस्कर को नहीं मार सकता है, तो इसको कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है। सो यू कैन कीप दिस ऑस्कर फिश विद योर टर्टल। आफ्टर दैट ये है अल्बिनो कैटफिश, अल्बिनो कैटफिश सकर एंड ब्लैक कैटफिश सकर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है फ्रेंड्स। अल्बिनो कैटफिश सकर बहुत रेयर वेराइटी है, इतना पाई नहीं जाती है, थोड़ा कॉस्टली ब्लैक सकर से थोड़ा हाई है इसका प्राइस। और इसका जो ये टैंक क्लीनिंग फिश है फ्रेंड्स, अगर आपके पास में बहुत बड़ा टैंक है, छोटा टैंक है, बार बार पानी गंदा हो रहा है आपके एक्वेरियम का, तो एक सकर फिश ले लीजिए। सकर फिश ज़्यादा छोटा भी मत लीजिए, वो मर जाएगा फ्रेंड्स, तो आप है ना थोड़ा मीडियम साइज का सकर फिश लेना। मीडियम साइज में सकर फिश क्या होता है वो सर्वाइव कर पाएगा और वो आपको रिजल्ट देगा फ्रेंड्स। तो उसके बाद आता है एंजल फिश, एंजल फिश ये लाइट हीटिंग फिश है फ्रेंड्स। एंजल फिश एंजल फिश का एक शॉर्ट बताना चाहूँगा आपको मैं, अगर आपके पास गोल्ड फिश है या फिर कोई ब्रीडिंग करता है गोल्ड फिश का, तो फिर ये ना अगर आप गोल्ड फिश की ब्रीडिंग करते हो फ्रेंड्स, तो ब्रीडिंग में क्या होता है, जो ब्रीडिंग टैंक होता है वहाँ पे एज पर मॉइस्चर क्या होता है फ्रेंड्स, आपके एक्वेरियम में कीड़े आ जाते हैं, लाइस आ जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है फिश वो लाइस सर्वाइव नहीं कर देती है गोल्ड फिश को, बिकॉज वो पूरा ब्लड खींच लेती है, और उसकी वजह से आपकी गोल्ड फिश माइल्ड हो जाती है, सुस्त हो जाती है और फिर मर जाती है, फीडिंग नहीं करती है। तो एंजल फिश इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फिश एंड मोस्ट यूजफुल फिश फॉर योर एक्वेरियम। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स ये ओरंडा है, ये जंबो गोल्ड है, ब्रीडर्स है, ये जो दिख रहा है फीमेल है, पीछे जो ओरंडा गोल्ड है, एक मिनट ना बता दें, ये देखिए ये फुल साइज ओरंडा है फ्रेंड्स, फुल साइज ओरंडा है। और अगर कोई ब्रीडिंग करना चाहता है गोल्ड फिश की तो ये ले सकते हैं ब्रीडर्स, और ये अंडे ये मैक्सिमम साइज है, इसके ऊपर ओरंडा नहीं पड़ेगी। और आपको एक बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर ये अंडे देंगे ना फ्रेंड्स तो 2000 के ऊपर अंडा देंगे, लेकिन इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, अभी नहीं बनाऊंगा। और इसके लिए सारी चीज़ें आपको बेसिक प्रिकॉशंस भी पता होने चाहिए, क्योंकि ब्रीडिंग करना बहुत सेंसिटिव फिश है, और सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा उसको। ये है चॉकलेट मॉली फ्रेंड्स, चॉकलेट मॉली फिश है, चॉकलेट मॉली का एक डिटेल बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। चॉकलेट मॉली एक ऐसी वेराइटी है फ्रेंड्स, ये थोड़ा एग्रेसिव में भी आती है, नॉन एग्रेसिव में भी आती है। कोई कोई कस्टमर के घर पे गोल्ड फिश है और गोल्ड फिश है और बाद में फिर वो गोल्ड फिश ये चॉकलेट मॉली है वो खा लेती है फ्रेंड्स, पीछे लगती है, बहुत एक्टिव फिश है। ये कब होता है फ्रेंड्स, बिकॉज आपके पास अगर मेल चॉकलेट मॉली है तो मेल चॉकलेट मॉली क्या होता है थोड़ा एग्रेसिव होता है फ्रेंड्स, फीमेल मॉली जो है वो एग्रेसिव नहीं होती है, क्योंकि अगर मेल अगर आप देखे जाएंगे तो मेल थोड़ा एग्रेसिव होता है और वो आपके गोल्ड फिश को मार देगा फ्रेंड्स। तो अगर आपको मॉली रखना है तो फिर फीमेल रखिए, फीमेल रखिए, और मेल थोड़ा एग्रेसिव होता है, मेल का थोड़ा मतलब उनके नेचर के ऊपर होता है, आप भरोसा नहीं रख सकते हैं मॉली फिश को। नॉन एग्रेसिव में भी आती है, एग्रेसिव कैटेगरी में आती है। और इसके बाद ये ब्रीडर से ओरंडा है, ये गोल्ड है मेरे पास बड़े बड़े, अगर किसी को चाहिए तो देखो, ये लार्ज साइज ब्लैक मोर है, इसमें फिर एंजल एंजल फिश भी है, इसमें एंजल फिश भी है, शार्क भी है, और रेड कैप गोल्ड भी है, ज़ेब्रा भी है। ये जो है रुकिंग गोल्ड फ्रेंड्स, गोल्ड का मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया है मैंने आपको, ठीक है। ये बिग कोई है, कोई भी मैंने कोई एज पर द गोल्ड है, ये बड़ा साइज का कोई है, फीमेल है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाद में फिर ये गुरामी है फ्रेंड्स, ये विदाउट ऑक्सीजन फिश है, गुरामी का ऑक्सीजन नहीं लगता है, और कोई किसी के घर में बाउल वगैरह है तो आप रख सकते हैं, और ये 24/7 आपको बाउल ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। हार्डी फिश है बहुत, बोरिंग टनल के वाटर में भी रहेगा, हार्डी फिश है। बाद में ये जो आते हैं दोस्तों, ये इसमें देखो ग्रीन ज़ेब्रा दिखाई देंगे आपको, ग्रीन ज़ेब्रा है, बाद में फिर ब्लू ज़ेब्रा है, पिंक ज़ेब्रा है इसमें थोड़ी, और कार्डिनल टेट्रा भी है पीछे,
वो देखिए कार्डिनल टेट्रा, ये कार्डिनल टेट्रा है। ये टेट्रा वेरिएशन फ्रेंड्स ऑलमोस्ट ये 1 इंच तक बढ़ेगा, 1 या 1.5 इंच तक मैक्सिमम बढ़ता है ये फ्रेंड्स कार्डिनल टेट्रा। और फिश को एक्वेरियम को गंदा नहीं करता है, ये ब्रीडर्स है, बड़े बड़े ब्रीडर्स है। ये जो है ग्रे जेब्रा है मेरे पास, ये देखिए ग्रे जेब्रा, ये टेट्रा वेराइटीज में आता है। और ये है सिल्वर शार्क फ्रेंड्स, सिल्वर शार्क बहुत ही ब्यूटीफुल फिश है। और एक बताना चाहूँगा, कभी भी आप सिल्वर शार्क लेना चाहते हैं तो पानी में थोड़ा सॉल्ट डाल देना, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देना, और ऑक्सीजन लगता है फिश को, और सेंसिटिव फिश है। अगर आपके पास टनल है, बोरिंग का वाटर है, तो इसको क्लोरीन का पानी नहीं चलता है, थोड़ा सॉफ्ट वाटर में सर्वाइव करती है ये फिश। और ये जो बड़ा दिख रहा है ये वाला, ये पांडा गोल्ड है फ्रेंड्स, पांडा गोल्ड, दिस इज द वेरी अट्रैक्टिव फिश। और इसके सिर्फ पूरी बॉडी व्हाइट है, लेकिन आके ब्लैक है इसके, बहुत अट्रैक्टिव फिश है। और इसके साथ में वेलटेल गोल्ड है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे फ्रेंड्स, ये शार्क है, अल्बिनो शार्क, नॉन एग्रेसिव फिश है। बड़ा भी होगा तो दाने खाएगा, दूसरे फिश को नहीं खाएगा। और खास बात है दोस्तों, इसको ऑक्सीजन नहीं लगती है, विदाउट ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर पाएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, ठंडी से बचाना है इसको, ठंडी में फंगस चढ़ जाता है फिश को, इसी फिश को नहीं सारे फिश को, टेट्रा छोड़ के, टेट्रा वेराइटी इसका फंगस नहीं लगता है। तो ये जो है एक अपना अल्बाइनो शार्क है। इसके बाद फ्रेंड्स आता है ये इधर पिंक जेब्रा है फ्रेंड्स, तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, कार्डिनल टेट्रा सेम है, सेम बिहेवियर है, बहुत एक्टिव फिश है, और गंदा भी बहुत कम करती है, विदाउट ऑक्सीजन भी रह लेगी दो दिन के बाद, फिर पता नहीं आपको वाटर चेंज करना पड़ेगा। किसी कस्टमर के पास छोटा टैंक है, एक्वेरियम है, तो ये फिश रख सकते हैं पिंक जेब्रा। बाद में आता है ये थोड़ा एग्रेसिव फिश है दोस्तों, ये है टाइगर बार्ब। ये टाइगर बार्ब ऐसा फिश है, टेट्रा में आता है ये टाइगर बार्ब, प्लांटेशन में आप रख सकते हैं इसको, लेकिन एग्रेसिव फिश है फ्रेंड्स। अगर आप रखना चाहते हैं तो थोड़ा रिस्की है, ग्रुप में रहते हैं फिश, ग्रुप में अटैक करती है। अगर आप इसको एक दिन खाना भी नहीं देंगे फ्रेंड्स, तो ये दूसरे फिश को अटैक करके खा लेंगे। तो उसमें आता है एक किसिंग गुरामी है, ये विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करने वाली फिश है। इसका साइज ऑलमोस्ट बढ़ता है 12 इंच, एक फीट तक मैक्सिमम बढ़ता है, उसको जायंट गुरामी बोलते हैं, उसका भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ। विदाउट ऑक्सीजन फिश है, और एग्रेसिव में भी आती है फ्रेंड्स, नॉन एग्रेसिव में भी आती है, बिकॉज इसके बिहेवियर के ऊपर है। फिलहाल तो अभी ये नॉन एग्रेसिव कैटेगरी में आती है, एग्रेसिव कभी कभी होती है फ्रेंड्स, जब कोई आप न्यू फिश डालते हो तो ये फिश है ना एक्सेप्ट नहीं करती दूसरे फिश को, तो उसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू ऐड फिश इन टू योर एक्वेरियम। जब आप न्यू फिश लेते हैं एक्वेरियम शॉप से, तो आपको फिश ऐड कैसे करना है, वो भी एक अच्छी ये टेक्निक है मेरे पास। आपको ओल्ड फिश है वो न्यू फिश को नहीं मारेंगी, और ये एक बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है फिशेस का। तो एक ऐसा है दोस्तों, आज के वीडियोज में हमने ये छोटे छोटे जो वेराइटीज है ये कवर कर लिया है। और यहाँ पे देखिए मेरे पास बड़ा शार्क है, नाम को शार्क है फ्रेंड्स, लेकिन सिर्फ दाने खाता है ये। इसमें एक जायंट शार्क है, डैनियल है, बाद में फिर इसमें आता है सकर, बाद में इसमें गुरामी है, वाइट गुरामी है, और ये सकर है, अल्बाइनो सकर कैटफिश। ये देखिए बड़ा सकर है मेरे पास, जायंट सकर है, इसका डिजाइन देख लीजिए आप, सकर है। यहाँ पे डॉक्टर फिश का मैंने अलग से वीडियो बता दिया था फ्रेंड्स, ये देखिए छोटा भांजा, ये एक देखिए कैसा डॉक्टर फिश चिपक रहे उसके आपको, और बहुत ही एंटरटेनमेंट फिश है फ्रेंड्स। सो आज के लिए इतना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और कौन से भी फिश में अगर आपको डाउट है दोस्तों, तो मुझे कमेंट्स में मेंशन कर देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और आज के लिए इतना फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर।